दिवाली के बाद ड्राई फ्रूट की शॉपिंग करने के लिए खारी बावली आना कितना अच्छा लग रहा है ना बंटू। मेट्रो में भी भीड़ नहीं थी। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर कितनी भीड़ होती है ना दिवाली के दिनों में। काजू बादाम अखरोट सब लेना है। देख बंटू 800 रुपए किलो हो गया है मैंगलोर का काजू, जो कि पहले 900 रुपए किलो था। बादाम के रेट भी कम हो गए हैं, क्वालिटी चेक करता जा। देख फतेहपुरी चौक काके दी हट्टी से सीधे सीधे आ रहे हैं हम, नाकी सीध में सीधे सीधे चलते जाते हैं और दोनों तरफ की दुकानों के रेट देखते जाते हैं, क्वालिटी चेक करते जाते हैं। जहाँ का कुछ समझ में आता है वो दुकान का नंबर नोट कर लेते हैं और आती बार हम ले लेंगे सामान। क्या बोलती है? 360 रुपए किशमिश ली थी, 280 रुपए किलो मिल रही है बंटू। हाँ बबली, अब बाजारों में एक तो भीड़ कम हो गई है, दिवाली पर तो पैर रखने की जगह नहीं थी। किशमिश की क्वालिटी भी अच्छी है, अखरोट की क्वालिटी भी अच्छी है, पर ना अभी हम कहीं से नहीं खरीदेंगे। सारी दुकानों का सामान देखते हैं, क्वालिटी और रेट अच्छे से देखते हैं और फिर आती बार ही हम सामान लेंगे। बंटू देख यहाँ पर 800 से 1100 रुपए तक के काजू हैं। माँ से पूछ 280 वाली किशमिश लानी है या 360 वाली किशमिश लानी है, और काजू कौन से साइज का लाना है, 240 नंबर का लाना है, 180 नंबर का लाना है। माँ ने कहा था घर में खाने के लिए लाना है तो ज्यादा महंगा नहीं लाना, छोटे साइज का काजू लेंगे, करारा लेंगे, बढ़िया मैंगलोर का लेंगे तो सस्ता भी मिलेगा और बढ़िया भी मिलेगा। बांटने का काम तो हो गया दिवाली पर, अब तो घर का सामान चाहिए ना बबली। तो बंटी ये देख मैंगलोर का काजू मिल रहा है 760 रुपए किलो, बढ़िया है, साइज भी अच्छा है, यहाँ से ही ले लेते हैं। अंजीर का रेट पूछती हूँ, अंजीर तो बहुत महंगी हो गई है अब। पिछली बार 1200 रुपए किलो थी 4 महीने पहले, और अब 1600 रुपए किलो हो गई है। अंजीर अभी रहने देते हैं, बाकी सामान लेते हैं। ठीक है बबली, तूने काजू ले ले यहाँ से, मैं सामने वाली दुकान से खुमानी लेकर आता हूँ, 400 रुपए किलो मिल रही है, बढ़िया खुमानी। ठीक है बंटी, थोड़ी सी मूंगफलियाँ भी ले लेते हैं। सर्दियों में ना मूंगफली खाने का मजा ही और होता है, गरम गरम नमक में भूनकर खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेंगी। मैं जब भी आती हूँ ना वीर जी की दुकान से कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाती हूँ। अखरोट लूँगी इनसे, देख अखरोट कितने बढ़िया है ना, कागजी अखरोट। बादाम का रेट 800 रुपये है, लेकिन ये बादाम का साइज़ अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और नया बादाम है। दुकान वाले भैया दिखा रहे हैं कि हमारे पास पैकिंग का भी सामान है, ड्राई फ्रूट पैकिंग में इनके पास है, लेकिन अब हमें पैकिंग नहीं चाहिए, अब हमारा देने लेने का काम तो हो गया है भैया, अब तो घर के लिए ही सामान खरीदने आए हैं आज। यहाँ से ही लेकर गए थे दिवाली पर हम पैकिंग का सामान, लेकिन अब नहीं चाहिए, अब तो हमें लूज़ में ही चाहिए। तो अगर आप यहाँ से सामान लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, दुकान अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, और हमने यहाँ से सामान खरीदा था, अखरोट भी मैं यहीं से लेकर गई थी पिछली बार। अखरोट चेक करने के लिए देखो, वो हल्का होना चाहिए, अगर भारी होता है ना तो वो थोड़ा कागजी नहीं होता। फिर इनके काजू की क्वालिटी और भी अच्छी है, एकदम शाइन कर रहा है ना वाइट। ये है दुकान का नाम भाई, देखो मैं दिखाती जा रही हूँ वीडियो आपको, आप दुकान का नाम नंबर सब नोट करते जाओ। इस दुकान से ना मैं आम पापड़ लेकर जाती हूँ, इनका आम पापड़ बहुत टेस्टी होता है, वो रहा आम पापड़। ड्राई मैंगो क्या रेट है इसका? 400 रुपये, 400 रुपये किलो आम पापड़, बढ़िया क्वालिटी है। अब मैं आगे चलकर आपको दुकानों के बोर्ड्स दिखाती हूँ, बाहर से देखिए आप दुकानों के बोर्ड्स देखिए, और रोड भी दिखाती हूँ कि अब आज तो थोड़ी थोड़ी जगह है रोड पर चलने की, वरना यहाँ पर तो इतना बुरा हाल होता है कि लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी टक्करें मार के जाना पड़ता है। यहाँ पर काला गुड़ मिल रहा है 80 रुपए किलो, और ये नया गुड़ मिल रहा है 60 रुपए किलो, दोनों ही गुड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकर जाऊंगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अपने घर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं और आपको भी खारी बावली की सारी दुकानें दिखा रहे हैं, क्वालिटी चेक करिए, रेट्स चेक करिए, और अब दिवाली के बाद आप आराम से यहाँ पर शॉपिंग करने आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर आने में टाइम है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम भीड़ है। भीड़ तो है लेकिन नॉर्मल से कम है। अगर आपको घर के लिए दालें लेनी है, मसाले लेने हैं या ड्राई फ्रूट लेने हैं तो आपको खारी बावली ही आना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली की होलसेल मार्केट है, यहाँ पर भीड़ भड़क्का होता है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन घर के लिए दाल मसालों और ड्राई फ्रूट की शॉपिंग करने के लिए हर कोई खारी बावली पर आकर ही शॉपिंग करना चाहता है। मैं आपको सारी दुकानें दिखा रही हूँ और ऊपर के बोर्ड भी दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपकी नज़र में कोई ड्राई फ्रूट कोई क्वालिटी अच्छी लगती है
तो आप नोटिस कर लीजिए कि कौन सी दुकान है, ताकि आप जब आएंगे यहाँ पर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी दुकान से सामान लेना है। रेट्स भी सबके मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से रेट्स देखते जाइए। लौंग 1600 रुपये किलो है, 560 रुपये किलो सौंफ और 240 रुपये किलो धनिया है। यहाँ पर मोटी इलायची है 180 रुपये की 100 ग्राम, और ये इलायची तो इनकी बहुत ही बढ़िया है, इलायची का रेट ज़्यादा हो गया, 3000 रुपये किलो है इलायची इस समय। काली मिर्च का भाव है 920 रुपये किलो। ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुपीरियर है। और सौंठ है 600 रुपये किलो, छुआरे 400 रुपये किलो है। ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है ना, और ये वाले ये 320 रुपये किलो है। ये वाले छुआरे 440 रुपये किलो है, अखरोट 640 रुपये किलो है, छिला हुआ अखरोट देखिए 900 रुपये किलो है, खुमानी 400 रुपये किलो है, 880 रुपये किलो मखाने हैं। ये बहुत मोटे मखाने हैं, जो पतले छोटे मखाने हैं वो तो 450 रुपये किलो भी हैं। ये बादाम 640 रुपये किलो। ये देखिए क्वालिटी बेहतर है, अच्छी है ये इस दुकान पर सामान, मुझे अच्छा लगा। और आगे चलती हूँ और भी दिखाती हूँ, अभी तो बहुत मार्केट पड़ी है। ये देखिए मैं दिखाती चलती हूँ, आप जूम करके देखते जाइए, सब की क्वालिटी अच्छे से कंपेयर करते रहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा जब भी आप खारी बावली आएंगे सामान लेने के लिए, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन सी दुकान से सामान लेना है। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो, क्योंकि ये मार्केट ना बहुत बड़ी है, तो इसमें सामान लेना आसान नहीं है। आप एक दुकान से सामान लेंगे तो दूसरी से लेने के बाद आपको लगेगा कि पहली वाली से हमने ऊंचे भाव में ले लिया। मूंगफली 180 रुपये किलो। अब ये वाली दुकान पर देखते हैं क्या क्या सामान है। काली मिर्च 840, जीरा 640, कम हो गया, पहले 700 रुपये था, अब कम हो गया जीरे का रेट, 60 रुपये कम हो गया दिवाली से। काजू, बादाम, किशमिश, ये सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं लाइन से, और बहुत भीड़ है अभी भी, मतलब दिवाली जितनी तो नहीं है, जैन स्टोर है ये। देखो माल दबा के बिक रहा है, सामान लेने वालों की कमी नहीं है। ये देखो सुरेंद्र कुमार, इनसे भी मैं दिवाली पर सामान लेकर गई थी, जब दिवाली आती है ना तो बांटने के लिए बहुत सामान लेना पड़ता है, तो बहुत सारी दुकानों से सामान लेकर गए थे हम। अब कुछ सामान के रेट कम हुए हैं दिवाली से, तो इधर से बादाम तुलवा रहे हैं और छुआरे तुलवा रहे हैं। छुआरे ना मैं ना तो ज़्यादा सफ़ेद वाले लेती हूँ, ना ज़्यादा काले वाले लेती हूँ, जो बीच का कलर होता है ना वो वाले लेती हूँ मैं, उसको पानी में भिगो कर खाओ बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो खजूर भी खा सकते हैं आप, खजूर भी बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, और सबसे बड़ी बात इसको खाकर ना पेट भर जाता है। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने बैग में डाल सकते हैं, एक पाउच में डालकर थोड़े से छुआरे, बहुत टेस्टी लगते हैं, हेल्दी होते हैं और पेट भर जाता है। यहाँ से मैंने काली दराख ली है, यानी कि काली किशमिश, रात को भिगोकर कभी कभी खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर चिप्स हैं, आलू के चिप्स, चावल के चिप्स, बहुत तरह के चिप्स की क्वालिटी वैरायटी, और मंगोड़ी भी है। ये देखिए मूंग की दाल की मंगोड़ी भी मिलती है यहाँ पर, अपने घर में तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, मक्का मिल रही है, ये चावल के हैं, ये मूँगफली मिल रही है, तो ऐसा सामान भी यहाँ पर मिलता है। पापड़ वगैरह ना यहाँ पर होलसेल के रेट में मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, खारी बावली आओ तो सिर्फ दालें मसाले नहीं, यहाँ पर पापड़, कुरहरी, चिप्स सब कुछ मिलता है यहाँ पर। एक दुकान नहीं है, आपको आगे भी और दुकानें दिखाऊंगी, और यहीं पर ही 10-12 दुकान और आगे फिर लेफ्ट को मुड़ जाएंगे ना, गली बताशे वाली आ जाएगी, वहाँ पर तो इसकी बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं।
ये पटरी पर भी भैया बैठे होते हैं। ये दालचीनी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ना दालचीनी, कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो पापड़, ये देखो पापड़, ये देखो चिप्स, देखो कितनी सारी वैरायटी और क्वालिटी है। इतना ही नहीं है यहाँ पर, चिप्स, पापड़, पास्ता, ये सब तो मिलता ही है होलसेल में। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, यहाँ पर साबुन, सर्फ, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सब यहाँ पर होलसेल में मिलता है। अभी चलते जाओ, अभी देखना आप, और सभी तरह के जैम, जेली, सब मिलता है यहाँ पर, और वो भी होलसेल में। ये देखो साबुन की एक दुकान तो आ गई। यहाँ पर हमें लिक्विड सोप भी मिलता है, जैसे हैंड सोप होता है, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सभी तरह का साबुन यहाँ पर होलसेल रेट पर मिलता है। सर्दी में लड्डू बनवाने हैं तो 320 रुपये किलो गोंद मिल रहा है, गोंद भी बहुत बढ़िया है। देखो भाई, जो जो वीडियो देख रहा है सबको जूम करके इनके रेट और क्वालिटी चेक करते जाओ, क्योंकि मैं आपको एक एक दुकान दिखा रही हूँ, कोई दुकान नहीं छोड़ रही हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे चल रही हूँ मैं, आराम से, ताकि आपको सब कुछ दिखा सकूँ। दुकानों के ऊपर के साइन बोर्ड भी दिखा रही हूँ और अंदर का सामान भी दिखा रही हूँ, तो आपसे कोई भूल चूक नहीं होगी। जब भी आप यहाँ पर सामान लेने आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो दालचीनी का रेट देख लिया ना आपने, 600 रुपये किलो। जीरे का देख लिया, ये मिल रही है चाय की पत्ती, और चाय की पत्ती की क्वालिटी, वैरायटी और रेट सब देख लो भाई, कितनी वैरायटी मिल रही है। 160 रुपये किलो मूँगफली, भैया मूँगफली दे दो आधा किलो। लाल मिर्च 440 रुपये किलो, कितनी बढ़िया लाल मिर्च है, रंग तो देखो इसका। 240 रुपये किलो धनिया है, दालचीनी, इसके किशमिश 240 रुपये किलो ही है। साथ वाली दुकान मुरब्बे की है, और केक डेकोरेशन का सामान मिलता है यहाँ। हाँ, लेकिन सारा सामान एक ही दुकान पर मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है ना। ये केक बनाने के लिए सारा सामान इस दुकान पर मिल रहा है, नाम है स्वाद स्वदेशी फूड। बहुत ही अच्छी बात है कि सारा सामान एक ही दुकान पर, वो भी होलसेल रेट पर मिल रहा है। तो ये रेट मैं पूछती हूँ दो चार चीज़ों के। ये इनका कार्ड है, ये देखिए नंबर, आप जूम करके देखिएगा इस पर। और एक दो चीज़ों के मैं इनसे रेट पूछती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ से अगर आप सामान लेंगे तो कितना सस्ता मिलेगा। भैया दो चार चीज़ों के जो केक में सामान यूज है, ये ड्राई जिंजर है, अच्छा जिंजर केक पर किलोग्राम है, प्लम केक में यूज होती है, प्लम केक में यूज होती है ड्राई जिंजर, 460 पर केजी, ये वैसे भी खाई जाती है। और ये कक वगैरह के लिए काफी बेस्ट है, अच्छा। और ये ऑरेंज पील स्लाइसेस, ऑरेंज पील स्लाइसेस हैं, और ये भी कैंडी बना रखा है इन्होंने, ये भी प्लम केक में ही होती है। और ये क्या रेट है इसका? ये है 220, 220 रुपए किलो, ये टूटी फ्रूटी है, ये टूटी फ्रूटी बेच रहे हैं, और इसका रेट बता रहे हैं 100 रुपीस पर केजी, मिक्स कलर, सिंगल कलर में 80 रुपीस, सिंगल कलर में लेते हैं तो 80 रुपए किलो है, अगर मिक्स कलर लेते हैं तो 100 रुपीस पर केजी। ये चेरी है, कैंडिड चेरी, कैंडिड चेरी दे रहे हैं, क्या रेट? पेस्ट्री वगैरह, हां जी, ये 280 रुपए किलो है, ये 280 रुपए किलो दे रहे हैं कैंडिड चेरी, जो कि पेस्ट्री के ऊपर लगती है, पान के ऊपर लगती है, काफी चीजों में लगती है। हाँ जी, डेट्स, सीडलेस डेट्स दे रहे हैं, क्या रेट? 170, 170 रुपए किलो, 170 रुपए निकाला हुआ है, अच्छा। सबसे बड़ी बात है सीडलेस है ये, बहुत अच्छा है ये तो, ये पपाया अच्छा है, अच्छा पपाया का अच्छा है, अच्छा जो मैंगो शेक वगैरह में ऊपर से टॉपिंग करते हैं, तो सर ये क्या काम आता है? मैंगो शेक में डालते हैं ना ऊपर से, हलवे में डाल लिया, मैंगो शेक में डाल लिया, मोंडल लोग उसमें चावल में डालते हैं, मीठे चावल में, अच्छा। तो पपाया का भी लच्छा था, ये मेरे को आज ही पता लगा, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसको मैंगो लच्छा बोल के भी कुछ लोग सेल करते हैं, वैसे एक्चुअल में पपाया का लच्छा, अच्छा कुछ लोग इसको मैंगो लच्छा भी बोलते हैं, लेकिन होता ही ये पपाया लच्छा है। और क्या रेट होता है? ये 180 पर, 180 रुपए किलो रेट, देखिए कितने शानदार बता रहे हैं ये, एक किलो का रेट है 180 रुपए, जो आपको वहाँ पर 100 ग्राम मिलेगा, ऑरेंज जो होल वाला दिखाया था ना, स्लाइस वाला, हाँ जी उसी का कट है, जो आपने होल वाला देखा था ये ऑरेंज पील, ये उसी का कट है, कीवी गोल्डन, ये छोटा छोटा काट रखा है ऑरेंज पील, कैंडी बना रखा है। और ये क्या रेट है? 260 पर केजी, 260 रुपए किलो। इसमें लेमन पील भी आता है, जिसको सब ऑरेंज बोल के सेल करते हैं, वो 160 रुपए किलो, वो भी मिल जाएगा, लेमन पील भी मिलता है 160 रुपए किलो। जो भी आप रेट सुन रहे हैं वो एक किलो के हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो भी मिल जाएगा है? लूज भी मिल जाएगा, लूज भी मिल जाएगा, यानी कि किसी को आधा किलो चाहिए मिल जाएगा, अगर किसी को आधा किलो चाहिए तो वो भी आराम से मिल जाएगा। इनके पास अंजीर है, कीवी है, खुमानी है, तो सारी चीजें इनके पास ड्राइड फॉर्म में है। रेट आपने देख लिए कितने शानदार है, कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो इनकी दुकान पे ना मिलता हो, सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर आप केक पुडिंग बनाते हैं तो आप इस दुकान पर आ सकते हैं। दुकान का कार्ड मैंने आपको दिखा दिया, उस पर फोन नंबर है, आप इनसे फोन पर बात कर सकते हैं या सीधे यहाँ पर आए। और ये पड़ता है ये एरिया 19 नंबर दाल चावल दुकान के सामने ये दुकान बनी हुई है, और ये शानदार चमकती हुई दुकान है। आगे चलते हैं, यहाँ खारी बावली में आपको देसी जड़ी बूटी और उनका पाउडर भी मिलता है। ये दुकान है जड़ी बूटियों की, और देखिए यहाँ पर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं। आप देख सकते हैं जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, और इस दुकान पर सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ये है दुकान और ये मोबाइल नंबर है। ये है अचार छह रंगा वाले की दुकान, ओह बहुत ही फेमस दुकान है ये, और यहाँ पर अचार ही अचार है। यहाँ पर मुझे मिर्ची का अचार नज़र आ रहा है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, नींबू है, और ये टीट का अचार है, आम का अचार है, और ढेर सारे मुरब्बे हैं। और ये देखिए मिर्ची लगी तो चीनी बूरा शक्कर खाते हैं। ये है चीनी बूरा और शक्कर की दुकान। यहाँ पर होलसेल रेट में आपको बेहतरीन क्वालिटी की चीनी मिल रही है, मिश्री और बूरा मिल रही है, खांड मिल रही है। आप इनका क्वालिटी देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बेहतर क्वालिटी है। देसी खांड है 50 रुपये किलो, लेकिन क्वालिटी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। चीनी के क्रिस्टल तो इतने मोटे मोटे हैं, पेठा मिल रहा है, तो गुड़, चीनी, शक्कर, हींग आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। इस तरह की खारी बावली में एक नहीं बहुत सारी दुकानें हैं, और सभी दुकानों पर क्वालिटी बेहतरीन है, रेट भी बहुत अच्छे हैं। अब हम घर के लिए थोड़ा सा नमकीन खरीदेंगे। जी हाँ, यहाँ पर खारी बावली में आपको होलसेल रेट पर नमकीन भी मिलता है, और एक नहीं बहुत सारी वैरायटी क्वालिटी मिलती है। इसके बाद हम थोड़ी सी टॉफ़ी चॉकलेट लेंगे, और थोड़ी सी गुड़ की गज्जक भी लेंगे, तिल वाली भी और मूँगफली वाली भी। यहाँ पर फ्रेश गज्जक आती है, और फिर यहीं से ही सारी जगह सप्लाई होती है, इसलिए अगर आपको एकदम फ्रेश चाहिए तो यहीं से ही लीजिए। सुपारी, सौंफ और टॉफ़ियाँ अगर आपको बर्थडे पर बांटने के लिए चाहिए तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पान खाता है तो पान में डालने के लिए सौंफ, सुपारी, कत्था, गुलकंदी आप यहाँ से ले सकते हैं, और पान भी यहाँ पर होलसेल रेट में मिल जाते हैं। आप रिटेल में 100-200 रुपये के पान ले जाना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर दे देंगे। आपको यहाँ पर जुजुब्स, जेली, सभी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। मेरी और बंटू की शॉपिंग हो गई है, और आपको भी आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर कौन सी क्वालिटी, कौन सा सामान और किस रेट में मिलता है। तो ज़रूर आइए खारी बावली और अपने घर का सामान यहाँ से खरीदिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो और उन्हें पता लगे कि घर का सामान होलसेल रेट पर कहाँ से ख़रीदा जा सकता है। ये सुपारी मिल रही है 560 रुपये किलो, बहुत मोटी और बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। इनके पास ये कत्था और ये सौंफ भी मिल रही है, टॉफ़ियाँ मिल रही हैं, तो ये सारा सामान आपको घर का मिल जाता है। मूँगफलियाँ देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी की आई हैं, गज्जक कितनी बढ़िया है। आपको अपने पास आसपास ये सामान मिल तो जाएगा, लेकिन इस क्वालिटी का सामान इतने अच्छे रेट में नहीं मिलेगा। ये पास्ता की दुकान है, और यहाँ से मैं पास्ता लेकर जाती हूँ। ये पान वाले भैया की दुकान आ गई, 150 रुपये के पान भी लेकर जाऊँगी, और थोड़ा सा पूजा का सामान भी लेना है मुझे। तो बस अब मेरी शॉपिंग ख़त्म होने वाली है, अब मैं घर जा रही हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जगह पर। आपको बहुत कुछ दिखाना अभी बाकी है, देखते रहिए मेरा चैनल वर्षा जैन ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूजा के सामान की शॉपिंग भी मैंने कर ली है, अब चलती हूँ।